नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गांव का सर्वे करते हुए पांचू पहुंचे हैं। यहां देखते हैं चुनावी क्या माहौल है। नोखा विधानसभा का एक पांचू गांव विशेष रहा है, क्यों यहां की पंचायत समिति अलग से भी है। आपको बीजेपी का मौला भी तेज चल रहा है। अच्छा, आपको क्या लगता है? हमारा ये है पांचू गाँव बीजेपी बीजेपी है। और आपको क्या लगता है? बीजेपी। अच्छा, चलो आगे चल के देखते हैं आगे क्या माहौल है। इस बार नोखा विधानसभा की एक पंचायत पांचू बहुत हाईलाइट है, यहाँ का क्या माहौल लग रहा है आपको? माहौल आटे डूडी रही है सर। आपको क्या लगता है? आटे भाई वर्तमान बेड़ी वाड़ को है भाई। अच्छा सर, आपको क्या लगता है? सर डूडी साहब क्या लग रहा है मेरा? आपको क्या लगता है? डूडी साहब इस बार कौन बाजी मार सकता है इस विधानसभा चुनाव में? भाई डूडी भारी भारी साहब। सर आपको क्या लगता है इस बार कौन बाजी मारेगा? डूडी। सर आपको क्या लगता है इस बार? रमेश डूडी। इस बार कौन बाजी मार सकता है? हम गोदी। यार जीत हार की नहीं है, आप जीत तो भाई डूडी होनी चाहिए। आपका क्या विचार है कौन बाजी मार सकता है? मंगनाराम दे वोट। आपको क्या लगता है? डूडी रामेश। सर आपको क्या लगता है? डूडी। चाचा इस बार विधानसभा में कौन बाजी मार सकता है चुनाव में? भाई मानने तो था कौन। आपको क्या लगता है चुनाव क्या माहौल? अभी डूडी जीतेगा। डूडी। आपको क्या लगता है? कांग्रेस निकलेगी। आपको क्या लगता है? कांग्रेस न दिए जाओ। एक सेकंड थोड़ा सा इस साइड आ जाओ। सर आपको क्या लगता है कौन बाजी मारेगा? बीजेपी बीजेपी। नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप सबको पता है नोखा विधानसभा का चुनावी माहौल है राजस्थान में। अब आज हम भादला पहुंचे हैं चुनावी माहौल चेक करने के। यहाँ देखेंगे चुनावी माहौल क्या है भादला में। अभी भादला गांव का क्या माहौल लग रहा है, कैसा चुनावी माहौल क्या है? भादला गांव का चुनावी माहौल करीब करीब 50-50 चल रहा है। कौन भारी है ये पता चला अभी तक? कुछ लमसम अभी तक पता नहीं, हम तो बराबर मान रहे। आपको क्या लगता है क्या माहौल है अभी गाँव का? 50-50 लगे। तो अभी कौन आपको बता सकता है कोई भारी है ऐसा? हाँ डूडी का माहौल तगड़ा चल रहा है सा कांग्रेस का। आपको क्या लगता है? बीजेपी ने ठीक चल रहा है सा। सर आपको क्या लगता है किसका माहौल तेज है इस बार? कांग्रेस। सच आपको क्या लगता है किसका माहौल तेज है? साहब है तो होनी कौन है क्या? अभी अपने भादला गांव का चुनावी माहौल किसका भारी है, क्या पड़ रहा है? मैं तो कांग्रेस को भारी लग रहा है। क्या कह रहा हूँ? मेघ सिंह जी निर्दलीय है, उनका अच्छा भाव है। अच्छा, आपको क्या लगता है? बिहारी लाल को। आपको क्या लगता है? बिहारी लाल। विधानसभा चुनाव चल रहा है, भादला गांव का क्या माहौल है? माहौल बोतल ताजी है, बोतल है ताजी चल गया आगे। बोतल कौन है कैंडिडेट? है जो मैंने था कौन ही मैंने है बोतल ताजी है। सर आपको क्या लगता है किसका माहौल तेज है? डूडी। चाचा आपको क्या लगता है किसका माहौल तेज है अभी? रामेश्वर जी। आपको क्या लगता है किसका माहौल तेज है? बिहारी लाल जी का तेज है। सर आपको क्या लगता है? लाल जी का। चलो आगे चल के देख रहे हैं, यहाँ 50-50 दिखाई दे रहे हैं माहौल लग रहा है भादला का। माहौल मार गांव रहा थोड़ा ठीक है, बोरियां कह रही पहुंचा कौन में निधि लिया। आपको क्या लगता है? मैं तो हिंदू तल वोट दे। आपको क्या लगता है? अपन बिहारी इंदिया। अच्छा आपका बढ़िया है सर। आप निधि कौन था नोट कर लो। सब ठीक है। आपका मेक सिंह को। नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम नोखा विधानसभा का सर्वे करते हुए कमली से पहुंचे हैं। यहाँ देखेंगे चुनावी माहौल क्या है और किसकी पलड़ा भारी है। सर अपने गांव का कोई नहीं, अपने गांव का चुनावी माहौल क्या है? सबके ये बराबर ही चल रहा है अभी। किसका पलड़ा भारी है किसका बराबर? अभी पहले हम कुछ नहीं बता सकते, चलता है। आप कुछ लग रहा माहौल बता सकते हो? नहीं, हमारे गाँव आज तक कोई राजनीतिक पार्टी ऐसे पक्ष कुछ नहीं सब। सर आपको बारह में तीन जाना कौन कौन से? रामेश्वर जी, बिहारी लाल, मेघ सिंह। तो किसका पलड़ा भारी है बता सकते हो? तीन नाम 19-20 में यहाँ है क्या? मैं ये चीज रो मैं तो ठा है वो नहीं ठीक है। सर आपको क्या लगता है इस बार कौन बाजी मारेगा? मन तो मुख्य ध्यान कौन। सर आपको? रमेश डूडी। सर आपको क्या लगता है इस बार कौन बाजी मारेगा? रामेश्वर डूडी। सर आपको क्या लगता है? आई लागे माने रामेश्वर क्या
कांग्रेस जीते। सर आपको क्या लगता है? मेरे कांग्रेस लगता है। नोखा विधानसभा का चुनावी माहौल है, अपने कमली सर गांव का क्या माहौल लग रहा है? रामेश्वर डूडी का लग रहा है माहौल। सर आपका? डूडी साहब का। यह सर आपका? डूडी साहब रहा। यहाँ पे भी बात करते हैं। सर आपको क्या लगता है अपने गांव का माहौल? हाँ डूडी साहब लग गया माहौल। सर आपको क्या लगता है? डूडी साहब और मेघ सिंह जी। सर आपको? डूडी साहब। सर क्या कारण है डूडी साहब का, कह रहे बता सकते हो? प्लस पॉइंट क्या है, कारण क्या है बता सकते हो? कारण तो बहुत है, सुधर सब सर कहता है बोलता है। क्या कह रहे हो सर? विकास के लिए बहुत अच्छा कार्य करता है, कोई उसके लिए दाग नहीं है, हर कोई की समस्या को समाधान करता है। तो ऐसा कौन सा माइनस पॉइंट है जो विपक्ष पार्टी में नहीं है? विपक्ष में ये बिहारी लाल तो है, ये तो बालक रूप का लड़का है और इन्होंने तीन बार, ये तीसरी बार है हार चुके हैं, अभी भी हारेगा, बहुत भयंकर बुरी तरह से हारेगा। सर आप और कौन कारण बता सकते हो? प्लस पॉइंट डूडी साहब का क्या प्लस पॉइंट है जिससे आप सारे डूडी साहब का कह रहे हो बता सकते हो? सर वही है, काम अच्छा करे, अच्छा आदमी है, अच्छे रिजल्ट हूँ आएगा। यहाँ पर कुछ लोगों उनके अच्छा ही बता रहे हैं, आगे चल के देखेंगे गांव का। सर यहाँ तो अभी बिहारी लाल तेज चल रहा है, उनका क्या माहौल लग रहा है? कांग्रेस की तेजी चल रही है हमारे पास। नोखा विधानसभा का चुनावी माहौल अभी, तो आपको क्या माहौल लग रहा है अपने गाँव का? कांग्रेस। जैसे कि आपको पता है नोखा विधानसभा में चुनावी माहौल बहुत गर्म है, हम गांव-गांव जाके सर्वे कर रहे हैं। आज हम यहाँ नोखा के पास रोडा गांव आए हैं, यहाँ देखते हैं किसकी सरकार बन रही है या क्या माहौल है चुनावी। सर नोखा विधानसभा का चुनावी माहौल चल रहा है, इस बार किसकी सरकार बन सकती है? नोखा से MLA कौन बन सकता है आपके गाँव के अनुसार? मेघ सिंह बन सकता है हमारे हिसाब से तो। सर आपको क्या लगता है इस बार? भैया मन तो मुझे पता नहीं है कौन बन सके। सर आपको लगता है क्या किसकी सरकार बन सकती है? मेघ सिंह MLA तो साहब। सर आपको क्या लगता है इस बार कौन बाजी मारेगा? बाजी तो मेघ सिंह ही मारेंगे, और अभी जो चर्चा चल रही है रामेश्वर मेघ सिंह टक्कर में है और बिहारी तीसरे नंबर में है। इनका कहना है रामेश्वर जी और मेघ सिंह जी की टक्कर में है। सर क्या आपको क्या लगता है इस बार टक्कर में? चलो सर आप बताइए सर क्या लग रहा है माहौल अपना? मेघ सिंह जी थी टक्कर चालेगा। इस बार कौन बाजी मार सकता है अपने, क्या माहौल लग रहा है चुनावी? हाँ कौन भारी है चुनावी माहौल में? चुनावी माहौल में है फूल भारी, कमल का फूल। आपको क्या लगता है कौन बाजी मार सकता है? मेघ सिंह। सर आपको क्या लगता है? मेघ सिंह। सर सर आपकी एज क्या है? 18। यानी आपका पहला वोट लगने वाला है? हाँ। और पहला वोट ही मेघ सिंह जी को दे रहे हो? हाँ। अच्छा सर आपका भी पहला ही वोट होगा विधानसभा का? नोखा विधानसभा का चुनाव चल रहा है, इस बार क्या माहौल लग रहा है? कहीं ठा पड़े हम पहले भी। कौन भारी है बता सकते हो? बिरलागढ़ स्टेशन में ड्यूटी भारी है। सर नोखा विधानसभा चुनाव में नोखा से कौन भारी लग रहा है आपको? हमारा तो कौन लग रहा है? डूडी लग रहा है। अच्छा इन्होंने भी डूडी का बोला, आगे चल के देखते हैं क्या माहौल है। नोखा विधानसभा का चुनाव चल रहा है, इस बार क्या लगता है कौन बाजी मार सकता है? मेघ सिंह राठौर साहब बाजी मार सकता है। यहाँ पे देखते हैं आगे। सर आपको क्या लगता है? बाजी आगे निकले। सर आपको क्या लगता है? आगे निकलता। सर आपको क्या लगता है कौन बाजी मारेगा? मैं माना तो कहीं था पड़े खिचड़ी लगे। तो टक्कर किसकी ये बता सकते हो? टक्कर हम कहीं बतावा। सर आप क्या कह रहे हो? मेघ सिंह जीतेंगे। मेघ सिंह जी की। सर आप क्या कह रहे हो? मेघ सिंह जी। यहाँ पर कुछ लोगों ने ज्यादातर मेघ सिंह जी का बल बता रहे हैं तेज, आगे चल के देखते हैं यहाँ क्या माहौल बन रहा है। यहाँ पे सबसे ज्यादा मेघ सिंह जी का तेज दिखाई दे रहा है। नोखा विधानसभा का चुनावी माहौल है, सबसे हॉट सीट मानी जाती है नोखा की, इस बार क्या लगता है नोखा का कौन माहौल तेज है, किसका? मेघ सिंह का। यानी निर्दलीय प्रत्याशी मेघ सिंह जी कह रहे हैं वो। सर आपको क्या लगता है कौन बाजी मार? हम सर बता रहे ये बता रहे वो सत्य ही है, मेघ सिंह जी। काका आपको क्या लगता है इस बार कौन बाजी मार सकता है? आपको तो अब के बतावा नहीं ना, अनाथ माँ बाप पकड़े मेघ सिंह जी। मेघ सिंह जी टक्कर की लागे? टक्कर तो बिहारी लाल की डूडी की। सर आपको क्या लगता है? मेघ सिंह। यहाँ पे मेघ सिंह जी के बोल रहे हैं। सर आपको क्या लगता है कौन भारी है? मेघ सिंह। सर आपको क्या लगता है? बिहारी लाल। का चुनावी क्या माहौल लगता है, कौन बाजी मार सकता है इस बार? नोखा विधानसभा में कांग्रेस का ही माहौल है, कांग्रेस ही बाजी मारी, पूरे राजस्थान में कांग्रेस आई। सर आपको क्या लगता है नोखा विधानसभा से? नोखा रामेश्वर डूडी जीत। चाचा आपको क्या लगता है? रामेश्वर जी डूडी। यहाँ पर कुछ लोगों ने रामेश्वर जी डूडी का कह रहे हैं, आगे चल के देखते हैं गाँव का क्या माहौल है रोडा का। कांग्रेस को